इसलिए नमस्कार साथियों, मैं आपको बात को ध्यान में रख करके एक बार मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, इस समय एक कहानी मैंने पढ़ा, उस कहानी में था कि एक महारानी थी, उसके पास बहुत सारे हाथी थे। करीब के गांव के लोग उसके पास गए, महारानी से लोगों ने अनुरोध किया कि महारानी जी आपके पास बहुत सारे हाथी हैं, एक हाथी हमको दे दीजिए। महारानी ने उनको हाथी दे दिया हाथियों, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने वो हाथी मर गया और उसमें ये शर्त थी कि जो ये बताएगा कि हाथी मर गया तो फिर उसको फांसी की सजा होगी। लेकिन हाथी एक दिन मर गया और गांव वाले चिंतित हो गए, उनके वक्तव्य जारी है, सूचना महारानी को देगा मंच के माध्यम से। तो साथियों, कोई आपको यहां पर सूचना देने वाला नहीं था, एक आदमी ने हिम्मत किया और वो महारानी के पास गया। उसने कहा, महारानी जो हाथी आपने गांव वालों को दिया था, वो हाथी न कान हिलाता है, न पूंछ हिलाता है, न वो सांस लेता है, न कुछ खाता है, न पीता है। तुम्हारी महारानी ने कहा, आखिर क्या बात है, उसको सही सही क्यों नहीं बताते, क्या हो गया? उसने कहा, मैंने अपनी बात बता दिया महारानी जी। उसने कहा, क्या हाथी मर गया? उसने कहा, नहीं मैं ये नहीं कह सकता हाथी मर गया। तो साथियों, 9 अक्टूबर की जो महार रैली करके ये दिखा दिया, जिसको मायावती मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हाथी मर गया, लेकिन साथियों उस दिन ये सिद्ध हो गया कि हाथी मर गया है, अब हाथी जिंदा होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आज की ये जो महारैली है, इस महारैली में अगर मायावती के जेहन में ये बात आती है कि नहीं हाथी अभी जिंदा है, तो आज उसकी ताबूत में साहब ने अंतिम कील ग्रहण करके ये सिद्ध कर दिया कि हाथी मर गया, अब हाथी आने वाला नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी लगातार यहाँ पर बीएमपी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की लगातार भीड़ जुटी हुई है और लोग पूरे साथियों आज से चल तन मेहता के साथ में नेताओं के भाषण को लगातार सुन रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा आपको रैली के बारे में अपनी बातों को बयान देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मुनिवासी, जय संविधान। धन्यवाद। जैसा कि आप देखिए, लगातार आप देख सकते हैं काफी भारी तादाद में यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा है और अब एक नई पार्टी जिसको बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से लोग जान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये कौन सी नई पार्टी है और इस नई पार्टी की महारैली में लोगों की जो तादाद जुड़ी हुई है उसको आप देख करके समझ सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश। मैं डॉक्टर अनिल कुमार। कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ बरेली जिले, जिला बरेली से। कितने लोग आए? करीब 9 अक्टूबर से आई है, करीब 60-70 लोग। जी, तो आप क्या सोच करके आए हैं? मैं भारत भारत मुक्ति मोर्चा जी जी पटेल साहब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कई विभिन्न संगठनों के लोग यानी कि भारत मुक्ति मोर्चा के लोग बीएमपी को समर्थन देने के लिए यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर आपको महिला महिलाओं की मौजूदगी आपको देखने को मिल रही है। काफी भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? उसे फिर से क्या नाम है करने का काम मानव और वामन मेश्राम। कहाँ से आए आप? कौन सा? साथियों, वामन मेश्राम साहब भी किस जिले में पड़ता है? मान्य कांशीराम साहब के आधार पर काम कर रहे हैं। आप पहले से जुड़ी हैं या पहली बार आई? आप यानी कि पहले से जुड़ी हैं? तो देखिएगा, काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हमारे सामने भैया खड़े हैं। क्या नाम है आपका? पास के ही गाँव मुंगापुर। मुंगापुर? अच्छा, तो बीएमपी से आप कितने दिन पहले से जुड़े हैं? बीएमपी से अभी जानकारी लगभग 2-3 महीने हुए, तभी से जुड़े रैली हुई। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वर्तमान में बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश में केंद्र, लेकिन आपने क्या देख करके आपने बीएमपी में तो आपको जो एससी ओबीसी को साथ में लेकर चलने वाली विचारधारा को बनाया। चलिए, बहुत बहुत उत्तर प्रदेश के राजनीतिक बोर्ड में 8%
ब्राह्मणों की है, कानपुर देहात पोखरा है, 6% वोट में किए दो की वाले माइनॉरिटी की 22% है। तो ये देखिए आप कानपुर देहात से आए हैं पुखराया से, और जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार और लगातार चैनल बने रहे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।